किचन्स आपके यहाँ पे देखिए नेम के साथ गिटार शेप आपके यहाँ पे रेडी हो चुकी है। नेम लिखना चाहते हैं नेम लिख सकते हैं, डबल साइड भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट जितना जिस तरह से आप करना चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हैं और जिस शेप में करना चाहें उस शेप में कर सकते हैं। दोस्तों मैं निधि गोस्वामी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ डिट्टो बॉस में। सो गाइस आज मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी जो हम आपको टेम्पलेट्स किचन्स वगैरह के प्रोवाइड करते हैं कैसे आपको उनको यूज करना है, कैसे उनपे पिक्चर्स को आपको सेट करना है, कैसे डिजाइन आपको प्रोवाइड करना है उसके ऊपर, मतलब प्रॉपर वीडियो में आपको उसमें दिखाऊंगी कैसे आपको साइज मेजरमेंट करना है, क्या टूल आपको यूज करना है और कैसे आपको बनाना है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ किचन्स के आपको सैंपल दिखाना चाहूंगी। जैसे कि आप ये किचन्स देख रहे हैं यहाँ पे लव वाली है और ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डैड वाला किचन है, इस तरीके की किचन्स वगैरह सब कुछ आपको मेरे पास मिलेंगे, मतलब यहाँ डिट्टो बॉस में आपको मिलेंगे। उसके बाद इनके टेम्पलेट्स वगैरह सब आपको हम यहाँ पे शेयर करते हैं कि कैसे आपको वो डिजाइनिंग करके बनाने हैं। मल्टीपल टाइप्स के किचन्स आपको अलग अलग शेप्स के किचन्स वगैरह हर डिजाइन के आपको अवेलेबल मिलेंगे इन स्टॉक। उसके अलावा इनके टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन आपकी मेल आई डी पे सबसे आपको प्रोवाइड होंगे, आपको मैं आज बताऊंगी कैसे आपको वो डिजाइन सेट करने हैं। किचन की क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बात में आपको एमडीएफ किचन, एक्रेलिक किचन, लैदर किचन, थ्री टाइप्स की आपको किचन यहाँ अवेलेबल मिलने वाली है। एमडीएफ किचन जो आपको डबल साइड में मिलेंगी, एक्रेलिक किचन जिनको आप डबल साइड में प्रिंट कर सकते हैं और सिंगल साइज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके अलावा लैदर्स की किचन आपको अच्छी क्वालिटीज की हमारे पास अवेलेबल मिलेंगी जो मार्केट में अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जो कि सब्लिमेशन किचन है, इस पे आप सब्लिमेशन कर सकते हैं, लेदर आइटम है या उसको आप इजीली सब्लिमेट कर सकते हैं और इसके भी आपको टेम्पलेट, साइज चार्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पूरा डिजाइनिंग आपको दिखाएंगे कैसे करनी है और पूरी प्रॉपर प्रिंटिंग आपको करके दिखाएंगे। उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और उसके अलावा आपको सपोर्ट के लिए जो भी प्रोडक्ट की वीडियो चाहिए उसके लिए हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहले आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन कर लेना है। जैसे हमने अपना फोटोशॉप यूज़ करते हैं हमेशा अपना फोटोशॉप यूज़ कर लेंगे। फिर आपको किचन से कुछ टेम्पलेट्स वगैरह इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, दिखाना चाहूँगी। इस तरीके से टेम्पलेट आपको पूरा मिलेगा, इसमें सारे शेप्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको इसको यूज़ करना है आप इसको ईजिली ओपन भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा अपने सिस्टम में। इस तरीके से यहाँ पे आपकी टेम्पलेट यूज़ हो गई है। उसके बाद आपको मैजिक टूल सेलेक्ट करना है, मैजिक टूल को सेलेक्ट करके आपको जो भी आपको शेप मतलब जिसमें आपको फोटो सेट करना है वो शेप आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें हार्ट शेप चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद इसको कंट्रोल जे कर देंगे तो ये हमारी जो शेप होगी आप देख रहे हैं सेकेंड लेयर हमारी यहाँ पर आ गई है। तो लेयर को क्या करेंगे, हम पिछले लेयर को हाइड करके जो हमारी ये लेयर है इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे और जो भी हमें फ़ोटो जैसे कि हम यहाँ पे कोई कपल की फ़ोटो लगानी है, जो भी फ़ोटो लगानी है हम इस तरीके से फ़ोटो को यहाँ पे अपने फ़ोटोशॉप में ले आएंगे। स्क्रॉलर करके जो भी हमें सेट करना है या छोटा बड़ा जो भी फ़ोटो को करना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। कंट्रोल और राइट क्लिक माउस को दबा के हम शेप से चेक कर लेंगे कि किस तरीके से फ़ोटो हमारी शेप के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद फ़ोटो को एंगल को उस तरीके उस हिसाब से चेंजेस कर लेंगे जैसे कि देख रहे हैं, सेंट्रलाइज हम पिक्चर को कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर लिया उसके बाद हमें जैसे ब्लैंक जो भी जगह बच रही है हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे करके सी कॉपी बना के बैक लेयर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और देन ब्लर कर देंगे थोड़ा सा, पीछे जो शेड जो रहेगा वो शेडेड सा थोड़ा सा रह जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एरिया हमारा किचन का है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है, बाकी के एरिया को जो भी हमारे पास जो पिक्चर हम लगा रहे हैं उसमें से हम इसको डिलीट कर देंगे। जैसे कि हम इसमें से ऑप्शंस में से रैशनलाइज लेयर करके यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो दूसरा वाला जो भी हमने पिक्चर रखी थी उसको भी हम ऐसे डिलीट कर देंगे। ये हमारी पिक्चर यहाँ सेट हो चुकी है। वही सेम आपके जैसे कॉर्नर्स वगैरह दिख रहे हैं आप इनको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इरेजर टूल को यूज़ करके इरेजर टूल्स की हार्डनेस को थोड़ा कम करके साइज जो भी आपको इरेजर का रखना है वो रख के आप इसको इस तरीके से आपको जो भी लेयर रिमूव करनी जहाँ पे से आपको लेयर्स हटानी हो वहाँ इस तरीके से धीरे 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 करके कॉर्नर्स पे से आप हटा देंगे।
उसके बाद जैसे भी हमें और अगर किसी और डिजाइन का भी हमें किसी का लेआउट बनाना है तो उसको भी हम बनाने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, लेयर्स को ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कोई और शेप जो भी आपको शेप रखनी है, जैसे जस्ट सपोज आपको किस पे गिटार पे हम एक शेप आपको बना के दिखाते हैं, गिटार के लिए आपको सिलेक्शन करना है, वही सेम मैजिक टूल लेना है, गिटार को सेलेक्ट करना है, गिटार पे सिलेक्शन टूल आपको मैजिक टूल सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको गिटार पे सिलेक्शन बनाना है और देन कंट्रोल जे करके इसको एक सेकंड लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपकी गिटार की शेप है उसको आप कंट्रोल टी के हिसाब से मूव टूल से आप जहाँ पे आपको सेट करना है वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद जो भी पिक्चर आपको, जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर सेट करनी है किसी बच्चे की या जो भी आपको सही लगे, इस तरीके से आप पिक्चर को या किसी भी चीज़ को वहाँ पे रिमूव कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे ये पिक्चर लगानी है गिटार पे, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, हमने इस तरीके से पिक्चर को यहाँ पे सेट कर लिया। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आपको क्या देना है तो यहाँ पे आप बच्चे का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपको नाम बच्चे का जो भी जैसे नाम हो वैसे आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब वो आपकी चॉइस है। जो भी आप डिज़ाइनिंग में अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी क्रिएटिविटी आप डिज़ाइन पर अपने दिखाना चाहते हैं, कलर्स चेंज करना, मतलब जो भी ऑप्शन आप यूज़ करते हैं इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस पे आप इस तरीके से आपने किचन के ऊपर फोटो भी लगा ली है और अपना नाम भी सेट कर लिया है। तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे आपने ये नाम सेलेक्ट कर लिया, ये नाम भी आपने यहाँ पे सेट कर लिया है। बैकग्राउंड से मिलता हुआ अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आपको क्या करना है, किचन पे जाना है, किचन का जो लेयर है आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आपको चाहिए बैकग्राउंड उससे मिलता जुलता तो आप उसको सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पे नाम और आपका फोटो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी सेट हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरीके से पूरी फोटो आपकी शेयर हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे दो फोटोज आपकी रेडी कर ली है किचन के लिए, थोड़ा पास में होगा तो हम दोनों को क्लोज कर लेंगे। अब क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दो शेप्स आपको करके दिखाई हैं, बाकी शेप्स वन बाय वन करके अगर आप हमें रिकमेंड्स करेंगे तो हम आपको बिल्कुल पॉसिबल होगा तो हम आपको पूरा कंप्लीट वीडियो करके दिखाएंगे। उसके लिए भी हम यहाँ पे अभी आपको दो पोस्टर करके दिखाते हैं। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल पी करना है आपको, कंट्रोल पी, जो भी आपका स्क्रॉल से जो भी आपकी प्रिंट होगा उसको वहाँ पे आप A4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेंगे मूव टूल से, मतलब मूव टूल नहीं, माउस स्क्रॉलर आपका ऑप्शन आएगा वहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। आपका प्रिंट व्यू है, जिस तरीके से प्रिंट निकलेगा, प्रिंट सेटिंग में जाना है, प्रिंट सेटिंग में जाके हाई स्पीड एंड मिरर इमेज आपको रखनी है, यहाँ पे आपको प्रीमियम ग्लॉसी रखना है, क्वालिटी आपको हाई रखनी है, देन आपको प्रिंट की कमांड देनी है। ये प्रिंट हमारा निकल के आ गया है, जो शेप हमने सेट करी थी जैसे सेट करी थी उसके अकॉर्डिंग निकल के आ गया है। अब हम चलते हैं इसको कट करते हैं एंड अपने पेस्टिंग एंड प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। मशीन का टेम्परेचर हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है, जो प्रिंट हमने यहाँ पे फिक्स किया था इस तरीके से हम इस पर रख देंगे, देन जस्ट 60 सेकंड्स के लिए हम यहाँ पे इसको टाइमर को स्टार्ट कर देंगे 50 सेकंड्स के लिए। हमारा जस्ट 50 सेकंड्स में हमारी जो की चेन्स है यहाँ पे रेडी हो जाएंगी। तो इतनी ब्यूटीफुल की चेन्स बनाने के लिए आप टेम्पलेट आपको कैसे यूज करना है प्रॉपर हमने आपको इस वीडियो में ब्रीफ किया है। अगर इसके अलावा भी किसी शेप में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल करके हमें मैसेज करके बता सकते हैं, हम स्पेशल वीडियो शूट कर देंगे उसके लिए, या आपको ऑनलाइन हम वीडियो कॉल पे एज एन उसी टाइम इमीडिएटली हम आपको गाइड कर देंगे। अलग अलग शेप्स के आपको की चेन्स मिल जाएंगे, जैसे आप ये अल्फाबेट्स में देख रहे हैं या फिर आप ये डबल हार्ट में देख रहे हैं, काफी जैसे अभी मैं आप दिखाती हूँ आपको, ये टेडी बियर वाली दिख रही है आपको यहाँ पे, होम वाली है, एप्पल शेप में, मतलब काफी वैरायटीज में आपको किचन हमारे पास मिल जाएंगे अलग अलग शेप में। उसके अलावा अगर आपको लेदर की किचन चाहिए तो लेदर किचन मिल जाएगी सब्लिमेशन पे, इस पे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। एक्रेलिक किचन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, ये भी आपको हर एक फेस में मिल जाएगी। ये हमारी प्रिंटिंग यहाँ पे रेडी हो गई है, थोड़ा सा हीट होगा तो आराम से रिमूव करेंगे हम इसको, थोड़ा ठंडा होने के लिए वेट कर लेते हैं 2 सेकंड।
इस तरीके से कीचेन हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। तो इसी तरीके से आपको ये सारी कीचेन जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं, जो भी जिस तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं, या उस पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई नेम लिखना चाहते हैं नेम लिख सकते हैं, डबल साइड भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट जितना जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं, और जिस शेप में करना चाहें उस शेप में कर सकते हैं। इस तरीके से ब्यूटीफुल किचन्स आपकी यहाँ पे देखिए नेम के साथ गिटार शेप आपकी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। उसके बाद जो हम आपको छल्ले यहाँ पे इसके प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ ये बड़ा वाला आपको की होल्डर इसमें पहले टैग करना है, इस तरीके से इसको पंच कर लेंगे आप हैवी जैसे आप पेचकस वगैरह जो भी आपके पास प्लास वगैरह हो या आप हैवी हैंड से भी कर सकते हैं। उसका इस तरीके से इसको टैग कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आपकी किचन यहाँ पे आपकी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आपका चाबी का छल्ला यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा। सो गाइस, इसी तरह के एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपने वीडियो अभी देखी है वो एक डेमो वीडियो है जो हमने एक प्रोडक्ट की बनाई है। ऐसे ही लार्ज स्केल में जो आप प्रोडक्ट मेरे पास सामने देख रहे हैं ये आज ब्लैंक इसीलिए है क्योंकि हम वन बाय वन करके आपको ये सारे प्रोडक्ट्स प्रिंटिंग करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको टेम्पलेट यूज करना है, कैसे आपको प्रिंट करना है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन फसली आए वो आपके पास पहुंच जाए और आप इजीली से सब्लिमेशन स्टेप को सीख पाए। सो गाइस, वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं एंड वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। का दिन शुभ हो।